आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। मानसून प्रदेश से कल यानी 1 अक्टूबर को अलविदा होगा। हालांकि इस बार प्रदेश में मानसून कम ही मेहरबान रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है, प्रदेश में इस बार 23% कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम बारिश प्रदेश के किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में दर्ज हुई है। वहीं सबसे ज्यादा बारिश कांगड़ा जिले में दर्ज की गई है। मानसून के समाप्त होते ही प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। दिन भर धूप खिलने से मौसम जहां सुहावना बना रहता है, तो वहीं शाम के समय ठंड बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति के केलंग में दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान ऊना जिले में 35.7 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 23.9 और न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज 30 सितंबर को जो मानसून सीजन है वो ओवर हो गया है। जो मानसून का सीजन है वो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक रहता है। तो इस बार वो इंसिडेंट भी रहा कि जो मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ है वो 30 सितंबर को ही हुआ है। आज जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश में विदा हो गया है। और जो मानसून की बारिश है इस बार वो सामान्य से 26% कम बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट ऊना है, जिसमें बारिश जो है वो नॉर्मल रिकॉर्ड हुई है। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में बारिश जो है वो स्कैंडी या फिर जो डेफिसिट रही। 8 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें जो बारिश है वो डेफिसिट हुई। सबसे कम बारिश जो लाहौल स्पीति में जो स्कैंडी बारिश रही है, जो कि सामान्य से जो 77% जो बारिश है वो कम थी। तो अगर हम लास्ट ईयर का डाटा कंपेयर करें तो जो लास्ट ईयर मानसून है वो हिमाचल प्रदेश में जो 11 अक्टूबर को विड्रा हुआ था, लेकिन जो बारिश थी वो सामान्य से 10% कम थी। और उससे पहले 2018 में जो 1 अक्टूबर को मानसून विड्रा हुआ था, लेकिन जो बारिश थी वो 12% सामान्य से ज़्यादा थी। तो इस बार जो बारिश है वो कम हुई है। इसका जो मेन कारण हम कह सकते हैं कि जो जून का महीना है उसमें भी बारिश में काफ़ी कमी रही। जुलाई में भी बारिश की कम जो बारिश की कमी थी वो काफ़ी कम रही। और इसमें जो ये अगस्त का महीना था सिर्फ जिसमें बारिश जो है वो नॉर्मल रिकॉर्ड हुई है। बाकी सितंबर के महीने में जो बारिश है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। इस बार जो बारिश है वो जो नॉर्मल से 77% जो बारिश है वो सितंबर के महीने में कम रही। इससे पहले जो 2004 में 71% जो बारिश है वो कम रिकॉर्ड की गई थी। तो इस बार जो पिछले 17 सालों में जो बारिश है वो सबसे कम रिकॉर्ड की गई। 2018 में जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी सितंबर के महीने में, जो कि सामान्य से 93% ज़्यादा थी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रोहित शर्मा।